स्टोव जलाकर स्टोव जलाइए। एक पतीली रखिए, गरम होने दे। उसमें थोड़ा सा एक स्पून घी डालें, एक चम्मच घी डालिए। उसके बाद काजू और किशमिश थोड़े से उसे भूने, अच्छे से फ्राई करें घी में। फ्राई होने दीजिए। अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। देखिए फ्राई हो गए, फ्राई हो गए। देखिए अब इसे हटाकर हम सेवई डाल देते हैं। सेवई एक ग्लास, देखिए छोटे से ग्लास से एक ग्लास सेवई को इसी घी में अच्छे से भून ले। कलर बदलते तक भूने, इसका कलर बदलना है, इसका कच्चापन चले जाए, अच्छा स्मेल आएगा। तब तक इसको भूनना है घी में। देखिए फ्राई हो रहा है। अब सेवई को हटा दीजिए और इसमें पतीली में जो है पानी डालिए एक ग्लास। पानी को गर्म होने दीजिए। पानी अच्छे से उबलने लगे, पानी उबलने पर थोड़ी सी नमक डाल दीजिए इसमें, साल्ट थोड़ा सा, और ये भुना हुआ सेमिया डाल दीजिए। सेमिया सेवई को डाल दीजिए और अच्छे से मिलाए इसको और पकने दीजिए। अच्छा स्मूथ सा पके, थोड़ा अच्छे से मिलाए। अब इसमें दूध मिला दीजिए। इलायची डालकर उबाला हुआ दूध है ये। इसमें अब अलग से इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी में थोड़ा सा शक्कर, उसके हिसाब से शक्कर डाल दीजिए। मैं थोड़ा कम ही डाली हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से पकने दे। आपका टेस्टी खीर तैयार है। खाइए, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए। इसी तरह से बनाते रहिए। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।